फिल्म्स में नाम सूर्य हो, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। एक बड़ा दिन था कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आज एक बड़ा दिन है एक्चुअली, क्योंकि आज उनकी एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, वो भी एक नहीं दो नहीं पांच लैंग्वेज में। इस फिल्म का नाम है अवने श्रीमन्नारायणा। इसके कुछ टीजर रिलीज हुए थे पांच महीने पहले, कुछ चीजें हाल फिलहाल में रिलीज हुई थी, और ये घोषित किया गया कि इसका ट्रेलर आएगा 28 तारीख को, यानी कि आज के दिन इसका ट्रेलर आ चुका है 4 बजे। एक ग्रैंड लॉन्च रखा गया, और इस ग्रैंड लॉन्च में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वर्जन में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया। वन ऑफ द लास्ट में, सबसे लेट में हिंदी का ट्रेलर रिलीज किया गया। कन्नड़ा का ट्रेलर देखा मैंने कन्नड़ लैंग्वेज का, उसके बाद मैं सोचा कि हिंदी का ट्रेलर अगर दिखता है तो अच्छी बात है, तो मैं वेट किया, और हिंदी का ट्रेलर भी मुझे देखने को मिला 4 मिनट 14 सेकंड के इस ट्रेलर में। बहुत कुछ ऐसा है, और ये फिल्म एक बढ़िया फिल्म साबित होगी, क्योंकि इस फिल्म में एक स्ट्रांग चीज है, वो है इसका बढ़िया कंटेंट। अब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी है कि इस फिल्म का डायरेक्टर डायरेक्शन है जो किया है सचिन रवि ने, जिन्होंने इस फिल्म का एडिटिंग भी किया है और स्क्रीन प्ले भी किया है, ठीक है। और जहां तक स्टोरी की कहानी है, इस फिल्म की स्टोरी रक्षित शेट्टी की है, और इस फिल्म में वो लीड रोल निभा रहे हैं। उस फिल्म में जो हीरोइन है उनका नाम है शवनी श्रीवास्तव। चलिए आपको एक बेसिक तौर पे पूरा प्लॉट बताता हूं कि आखिर क्या सीन है। फर्स्ट, जैसे ही पिक्चर का सीन शुरू होता है, एक लॉन्ग शॉट में दिखाया जाता है, एक पुराने जमाने में रहता है ना, एकदम रेगिस्तान में एक दादू का अड्डा, तो वो दिखाया जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है दूसरे शॉट में एक स्कल है, गाय का वैसा किसी का तो है ना, स्कल सिर्फ है हड्डी, और वहां से जूम आउट करते हैं, और फिर दिखाते हैं कि एक टांगा आ रहा है, और टांगे पे बैठा है हमारा हीरो यानी कि अवने श्रीमन्नारायणा, ठीक है। और जैसे ही वो आता है, उसके बाद वहां पे कोई कहता है भाई ये जगह पे पुलिस अलाउड नहीं है, फिर जहां पे लिखा था पुलिस नॉट अलाउड, वहां पे धक्का मारता है और जो नॉट है वो गिर जाता है, तो पुलिस अलाउड हो जाता है। तो इस तरह से दबंगई वाली एंट्री है। और ये जो सीन है पहले जो हीरो के एंट्री का, हीरो के आने का, उसमें जो म्यूजिक है, वो जो फील है आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता दो ये हेविली इंस्पायर्ड है 1966 की फिल्म द गुड द बैड एंड द अगली। सर्गियो लियोनी की फिल्म थी, क्लाइंट ईस्टवुड एक मेन लीड रोल में नजर आया है उस फिल्म में। और ये एक सर्गियो लियोनी बहुत बड़े डायरेक्टर रहे थे अपने जमाने में, उनकी ट्रायोलॉजी थी मैं नाम बता देता हूं, ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, ए फ्यू डॉलर्स मोर एंड द गुड बैड एंड द अगली। अब देखिएगा, इनमें से कोई भी फिल्म देखोगे तो आपको मजा आएगा। मैंने उनमें से सब तो नहीं देखी, लेकिन मैंने द गुड द बैड एंड द अगली, यानी कि तीन लोग रहते हैं, एक गुड रहता है, एक बैड रहता है, अगली, तीनों किस तरह से लालची रहते हैं खजाने के लिए, किसी चीज के पीछे भागने के लिए। आई थिंक मुझे अभी हल्का हल्का याद आ रहा है, शायद खजाने के लिए किसी चीज के पीछे भागते तीनों, पैसे के लिए भागते जैसी बात है, क्योंकि वो पैसे से जुड़ा पूरा फिल्म का कंसेप्ट है। तो यहां पर भी एक नहीं दो नहीं तीन विलन नजर आ रहे, तो यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं द गुड द बैड एंड द अगली वाला जो थीम है वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया गया हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो म्यूजिक आ रहा है बैकग्राउंड में, जिस तरह से हीरो की एंट्री हो रही है, जिस तरह से विजुअल्स नजर आ रहा है, ए फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया, वो सब देखकर ऐसा ही लग रहा है। सो आई एम हेविली इंस्पायर्ड एंड आई एम डैम श्योर डायरेक्टर इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं हेविली इंस्पायर्ड है वेस्टर्न फिल्मों से और जो 60s के दौर की काउबॉय फिल्म होती थी उनसे, ठीक है। नाउ कम बैक टू द टॉपिक, और यहाँ पे हीरो की एंट्री होती है 0.21 सेकंड से लेकर 0.25 सेकंड के बीच में। हीरो ऐसा दरवाजा खोल के अंदर आता है, बाद में सब देखते हैं कि सब बेवड़े रशेड़ी गुंडे उधर भरे रहते हैं, सब बोलते हैं भाई कौन आ गया। हीरो बोलता है अगर आपका जो पूरा अटेंशन मेरी तरफ फिलहाल है तो मैं आपको कोई बात कहना चाहता हूँ, कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो हीरो एक कहानी सुनाता है, यह कहानी सुनाता है गुंडों के बारे में और एक खजाने के बारे में, ठीक है, और खजाना किस तरह से दफन है या कहाँ है किधर है। और यहाँ पे हमारे उसके बाद मैं बता दूं क्या होता है। धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि 1 मिनट 18 सेकंड से लेकर 1 मिनट 20 सेकंड के बीच में विलन इस फिल्म का इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम फिल्म में जयराम है। अब जयराम गुंडा है, गुंडों का सरदार है, और शायद कोई राम राम करके एक और गुंडों का सरदार था जो मर गया है। तो अब उसका जो सपना था कि भाई वो खजाना ढूंढने का, अब ये गुंडा कहता है कि भाई हम लोग अब वो खजाना ढूंढेंगे, ठीक है, और उसमें मदद करने के लिए रेडी हो जाता है जो करप्ट पुलिस ऑफिसर कहीं ना कहीं यहाँ पे है अवने श्रीमन्नारायणा, लेकिन मैं आपकी मदद करूं, मुझे पता है खजाना कैसे ढूंढते हैं। और ये दो चीजें चल रही है,
हीरो बोला मैं ढूंढूंगा। उसके बाद कोई शायद ठेकेदार या कोई लालची कोई बुढ़ा आप देखोगे एक सीन में दिखाता है, वो कुर्सी पर बैठा है, पीछे कई सारे लोग बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं सवाल कर रहा है हीरो से कि मैंने सुना है तू मदद कर रहा है उसकी जयराम की है ना खजाना ढूंढने के लिए वो गुंडे की। तो उस तरह से है, तीन लोग है मेन हीरो दो विलन आसपास में, समझ रहे। तो ये इस तरह का सीन है और पहले की कुछ सीन्स में हम देखोगे आप देखो पूरे ट्रेलर में 4 मिनट 24 का बड़ा ट्रेलर है तो हीरो कहीं ना कहीं काफी दबा जाता है, काफी डरता जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम ये देखेंगे एक सीन है जहां पे 1:36 से लेकर 1:39 के बीच में 1:36 से 1:39 हीरोइन जो है वो इंट्रोड्यूस होती है। वो आती है क्योंकि पुलिस स्टेशन में रहता ही नहीं कोई पुलिस वाला, तो घूम फिर के यहाँ पे कहीं वर्डे पे पॉसिबल थे तुम इधर क्या करो, तुम्हें पुलिस स्टेशन हम ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ कंप्लेंट फाइल करनी है और तुम इधर टाइम पास कर रहे हो। तो उसके बाद हीरो कहता है कि तुम्हें पता है पुलिस को धोखा या आई मीन धमकी देना है या इसके लिए जो ऑफेंस है कुछ आईपीसी एक्ट 300 कुछ बता दें, तब तक सबकी बंदूकी हीरो के बंदूक यहाँ पे भेजी पर हर तरह से। तो हीरो शांत हो जाता है। तो उसके बाद हम अगर देखेंगे गुंडा जो रहता है जयराम उसकी मदद करते हुए नजर आते हैं इस ट्रेलर में हीरा ढूंढने क्या बोलते हैं खजाना ढूंढने में, कोई खजाना रहता है पहले जमाने का। अब वो खजाना मिलता ही नहीं है, बहुत ही तंग आ जाते हैं और उसमें उस दौरान एक डायलॉग भी है जहां पर ये कहा जाता है कि कई सारे प्लान्स हैं और हर तरह से कुछ नए नए आइडियाज आ रहे हैं लेकिन अभी भी जब तक वो एक नया आइडिया ना आ जाए जिस आइडिया से हमारा जो है ना आंसर मिल जाए तब तक हमें एक के बाद एक आइडिया ट्राई करना है, जब तक हमें वो खजाने का कुछ एक ना निचोड़ ना मिल जाए। उसी में हम देखते हैं एक सीन ऐसा आता है जब ईगल है वो ऐसा उड़ के आता है और सब खजाना ढूंढते थे कहीं कुछ मिलता नहीं रहता है, तो वो जो ईगल है वो हीरो पे कंधे पे आकर बैठता है ईगल। तो उसके बाद हीरो को लगता है कि शायद वो कोई दूसरा कुछ बंदा है, वो मतलब एकदम डरपोक नहीं है, पुराने जमाने पिछले जमाने में बहुत बड़ा वो लीजेंड हुआ करता था। उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंस नजर आते हैं पूरे ट्रेलर में धमाकेदार रहते हैं, यानी कि जो डरता हुआ हीरो है वो अब शूटिंग करता है, फायरिंग करता है, इधर उधर से मारता गुंडों को, ये करता है वो करता है। तो अब कहानी यहां पर पूरी तरह से ये है कि क्या अवनी श्रीमन नारायणा की इसकी असली पहचान क्या है, ये पुलिस ऑफिसर है करप्ट पुलिस ऑफिसर लेकिन पुराने जमाने में क्या था, ये क्या लीजेंड था, क्या फाइट करता था, क्या करता था, क्या ये वो खजाना ढूंढ पाता है नहीं ढूंढ पाता है, इस पर पूरी की पूरी कहानी है। इस अगर बात करें डायलॉग्स की तो डायलॉग यहाँ पे बहुत ही अच्छे है, कुछ सीन्स के बारे में बता रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2:16 से लेकर 2:18 के बीच में हीरो ऐसा कुछ प्लेट ऐसा उड़ाता है और प्लेट के ऊपर पैर रख के ऐसा स्लाइड करता है सीढ़ियों से, वो बहुत ही डिफिकल्ट सीन है, कैसे फिल्म आ गया मुझे नहीं पता। और एक सीन यहाँ पर और है 2:20 से लेकर 2:22 के बीच में हीरो कहीं से जंप मारता है एक खिड़की से दूसरे खिड़की, तो वो जो एक डार्केस्ट शेड रहता है वहां से पूरा कलरफुल पिंकिश शेड आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा सीन लगा कलरफुल। और बाकी इस तरह कई सारे सीन्स हैं जो इस ट्रेलर में आपको बहुत ही सरप्राइज करेंगे। मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा, वो पीछे एक गाड़ी नजर आती पुराने जमाने की, वो गाड़ी किस तरह से कलरफुल हो जाती, फिर डार्क हो जाती, फिर भद्दी हो जाती, फिर कलरफुल हो जाती, वो बहुत अच्छी तरह से सीन फिल्माया गया है। और यहां पर अगर बात की जाए कुछ और चीजों के बारे में तो वो ये है कि एक डायलॉग है, मतलब डायलॉग के बारे में बात की जाए, एक डायलॉग है पूरी फिल्म में जब हीरो बोलता है कि हर हीरो को दो फाइट लड़नी पड़ती है, एक बैटल फील्ड पर यानी कि दुश्मनों के बीच और एक खुद के अंदर जो फाइट होती है उससे दो लड़नी पड़ती है और दो जीतनी पड़ती तभी वो हीरो कहलाता है। तो वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके अलावा 2-3 डायलॉग्स और हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक अच्छी फिल्म सामने नजर आ रही है और पुष्कर फिल्म करके हिंदी में आपको यूट्यूब पर चैनल मिलेगा, वहां पर इसका ट्रेलर लिंक है और ये ट्रेलर लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मुझे अगर मिला तो मैंने जिस उसी पर देखा है पूरा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जहां तक बात करें कुछ बेसिक चीजों के बारे में तो यहाँ पे जो रिटन है रिटन बाय रक्षित शेट्टी लिखा है, लेकिन रक्षित शेट्टी एंड 7 और यानी कि रक्षित शेट्टी के साथ 7 लोगों ने और मिलकर शायद इस फिल्म की स्टोरी लिखी है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और जहां तक सचिन रवि की बात करें उनकी डेब्यू फिल्म एज ए डायरेक्टर, सो ही हैज डन हिज ट्रेमेंडस वर्क एज ए डायरेक्टर, मेरे ख्याल से बहुत आगे नाम करने वाले हैं। और जहां तक कुल मिला के कहा जाए मेरी परसेप्शन को लेकर पूरा पूरा इस ट्रेलर को लेकर कि मेरी क्या परसेप्शन है, आई लव द ट्रेलर, आई लव द कंसेप्ट, आई लव द ओवरऑल कलर टोन ऑफ द ट्रेलर और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है
की फिल्म चलेगी एंड डेफिनेटली ईगर एंड एक्साइटिंग एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स एंड बिकॉज दिस इज अ फिल्म विच वी कैन वॉच इन थिएटर्स ओनली. और जो लॉन्ग शॉट, जो मिड शॉट, जो क्लोज शॉट, जो एक्शन सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया तरह से फिल्माया गया और जो म्यूजिक का यूज किया गया, चाहे स्टार्टिंग में हीरो को इंट्रोड्यूस करते वक्त जो गुड बैड और अगली वाला जो थीम वाला म्यूजिक है उसे एक तरह से ट्रांसलेट करके एक अलग ही टोन बना के यूज किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और बहुत सारे सीन्स में म्यूजिक का बहुत अच्छा यूज किया गया है, जैसे कि हीरो की जब जैसे स्टार्टिंग में एंट्री देते तो थोड़ा सा ऐसा रैपिंग कुछ एक म्यूजिक आता ना ये जिगजैग वाला, थोड़ा सा वैसा यूज किया गया तो वो भी मुझे अच्छा लगा. सो ओवरऑल इट्स अ कूल 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 ट्रेलर एंड डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग we are getting something very new from Kannada film industry and the future of Kannada film industry is very bright. And for the trailer and its rating, I'm definitely going to give it 80%. That is a brilliant rating and I'm definitely waiting for the movie to watch in theaters because this is a movie that is paisa vasool. I'm sure about that. So I'm very much happy and pleased for the director Sachin Ravi who has taken such a bold step and made a such a good story. मेरे ख्याल से अच्छा उन्होंने काम किया है. It's a clever direction, performance, everything, and we are hoping for a big massive धमाका at the box office on 27 December, where it will clash in Hindi with good news Akshay Kumar film. Let's see how the clash turns out to be. क्योंकि हिंदी में real life production इस फिल्म को distribute कर रहा है, इतना साफ है, जिन्होंने रेस थी वगैरह बनाई थी और I think भारत में भी उनका एक अच्छा खासा योगदान था. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा. वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा.